गुरुजी कॉम्पिटेटिव एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत है। कक्षा 12वीं में अकाउंट्स में भाग एक अध्याय एक की बात करूंगा मैं। यहाँ पर अलाभकारी संस्थाओं के लिए लेखांकन, इनमें माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कुल 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, उनका विवरण पहले बताता हूँ। अंकवार प्रश्नों की संख्या होगी, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होंगे 5, अति लघुत्तरी प्रश्न की संख्या हो जाएगी 1 और लघुत्तरी प्रश्न 3 अंक का जो रहेगा उसकी संख्या हो जाएगी 1 और कुल इस प्रकार से 10 अंक के इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ले चलता हूँ सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो 5 पूछे जाएंगे अधिक मात्रा में है, तो इनकी ही बात करना प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहले देखिए, सही विकल्प के रूप में आएगा कि प्राप्ति भुगतान खाते का शेष सदैव होता है, जमा शेष होता है, नाम शेष होता है, अधिक होता है या कमी होता है। तो आप सभी को मालूम है यह नाम शेष होता है। इसी प्रकार वर्ष में चंदे की प्राप्त राशि जो अग्रिम राशि है उसको क्या कहते हैं, आय कहेंगे, व्यय कहेंगे, दायित्व कहेंगे या संपत्ति कहेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि यह अग्रिम प्राप्त हो गई है, एडवांस प्राप्त हो गई हमारे पास, इसलिए यह दायित्व हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, लाभ न कमाने वाली संस्थाएं बनाती है, अर्थात वे संस्थाएं जो लाभ नहीं कमाती वो कौन सा खाता तैयार करेगी, आय व्यय खाता तैयार करेगी या फिर लाभानी खाता बनाएगी या व्यापार खाता या निर्माण खाता। तो ये सभी बाकी खाते, 3 खाते तो व्यापारिक संस्थाएं बनाती है, लेकिन न लाभ कमाने वाली संस्था जो है वह आय व्यय खाता तैयार करती है, इससे उनका लाभ कितना हुआ या हानि हुई इसका पता चलता है। चौथा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि आय व्यय खाते में व्यवहारों को लिखा जाता है, केवल आगमगत प्रकृति के, दूसरा पूंजी प्रकृति के, दोनों प्रकृति के या उपयुक्त में से कोई नहीं। और सवाल यहाँ पे जो है कि आय व्यय खाते की यहाँ पर बात की जा रही है जिसमें सिर्फ केवल आगम प्रकृति के जो होते हैं, केवल आगम प्रकृति के जो होंगे हमारे लेन देन, उन्हीं को यहाँ पर दर्शाया जाएगा। अगला क्वेश्चन 5वां, निम्न में से कौन सी संस्था अलाभकारी संस्था नहीं है, आपको बताना होगा, कॉलेज, अस्पताल, सार्वजनिक कंपनी या क्लब। और सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर जो सार्वजनिक कंपनी होती है, लाभ कमाने के लिए बनाई जाती है, बाकी कॉलेज, अस्पताल, क्लब जो होते हैं ये सिर्फ सेवा भावना के उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं। 6वां क्वेश्चन आपके सामने, प्राप्ति एवं भुगतान खाता है व्यक्तिगत खाता है, वास्तविक खाता है, नाम मात्र का खाता है या इनमें से कोई नहीं है। तो 6वां का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक खाता होता है जो प्राप्ति भुगतान खाता होता है, क्योंकि रोकड़ आधार पर यह तैयार किया जाता है। 7वां क्वेश्चन, बकाया चंदा है, आय है, व्यय है, संपत्ति है या दायित्व है। तो 7वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो बकाया चंदा है ये हमारे लिए संपत्ति होता है। अगला क्वेश्चन 8वां आपकी स्क्रीन पर, कि पुराने अखबारों की बिक्री है पूंजीगत प्राप्ति, आयगत प्राप्ति, संपत्ति या लाभ। और 8 का सही जवाब हो जाएगा आपके सामने, आयगत प्राप्ति, बी ऑप्शन जो है एकदम सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार 9वां क्वेश्चन है, विशिष्ट दान है पूंजीगत प्राप्ति, आयगत प्राप्ति, संपत्ति या दायित्व। और विशिष्ट दान जो होता है वो क्या होता है आपको बताना है, तो यह है ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, पूंजीगत प्राप्ति। 10वां क्वेश्चन है, विरासत को मानना चाहिए दायित्व, आयगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति या संपत्ति। और विरासत जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूंजीगत प्राप्ति होगी ये, क्योंकि हमें ये प्राप्त हुई है, लंबे समय तक यह चलेगी, स्थायी होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, गैर व्यापारिक संस्थाओं के अधिकांश लेन देन होते हैं नगद, उधार, नगद और उधार दोनों या इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए वाला 11वां नंबर का, नगद, यहाँ पर उधार का प्रचलन नहीं है और इनका लेखा नहीं करते हम। आय व्यय खाता है तो व्यक्तिगत खाता है, वास्तविक खाता है, नाम मात्र का खाता है या इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा, नाम मात्र का खाता होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम यहाँ पर, और 13 है, गैर व्यापारिक संस्थानों का आजीवन सदस्यता शुल्क है पूंजीगत प्राप्ति है, आयगत प्राप्ति है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। तो सीधा हम कहेंगे कि लंबे समय के लिए मिलेगा, इसलिए यह पूंजीगत प्राप्ति है और माना जाता है।
14 क्वेश्चन, गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर परिसंपत्तियों के अधिक को कहते हैं, पूंजी निधि कहेंगे, पूंजी कहेंगे, लाभ कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब हो जाएगा ए नंबर का, पूंजी निधि कहलाएगा यह, क्योंकि परिसंपत्तियों के अधिक यानी परिसंपत्ति जो है देयताओं यानी दायित्वों पर संपत्तियों का अधिक जो होता है वो पूंजी कहलाता है, और गैर व्यापारिक संस्थाओं में उसे पूंजी निधि के नाम से हम जानते हैं। एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय होता है आय, संपत्ति, व्यय, या इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर, यह व्यय होता है, यानी सी नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यदि स्पष्टता कुछ न दिया हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाता है, पूंजीगत प्राप्ति, आयगत प्राप्ति, देयता, या इनमें से कोई नहीं। और यह है पूंजीगत प्राप्ति माना जाएगा, ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन, व्यय पर आय की अधिकता को कहा जाता है अधिशेष, कमी, इनमें से कोई नहीं, ए एवं बी दोनों। तो 17 का सही जवाब हो जाएगा, उसे हम अधिशेष कहते हैं या अधिक के नाम से भी जाना जाता है। विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त चंदा जो होता है वो संपत्ति है, आयगत प्राप्ति है, पूंजीगत प्राप्ति है, या इनमें से कोई नहीं। और 18 का सही जवाब हो जाएगा सी, पूंजीगत प्राप्ति माना जाता है, क्योंकि विशेष उद्देश्य के लिए जो प्राप्त चंदा होता है वह पूंजीगत प्राप्ति है। अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि वर्ष में 10,000 रुपये का चंदा प्राप्त हुआ, अगले वर्ष का चंदा 600 रुपये अग्रिम प्राप्त हुआ तथा 800 रुपये चंदा बकाया है, चंदे की राशि आय व्यय खाते में जमा की जाएगी, आपको कैलकुलेशन करके यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर इसकी राशि जो हो जाएगी 10,200 यहाँ पर प्राप्ति हो जाएगी, बिल्कुल आप कैलकुलेशन करके निकालिए, इसे निकल जाएगा। और इसी प्रकार 20वां क्वेश्चन, आय व्यय खाता सामान्यतः दिखाता है, क्या दिखाता है, अधिक या घाटा, रोकड़ शेष, पूंजी कोष, शुद्ध लाभ, हानि। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा आपके पास अधिक या घाटा, ए नंबर का ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार 21 क्वेश्चन, प्राप्ति भुगतान खाता सारांश होता है, तो ये किसका होता है, बैंक खाते का, रोकड़ वही का, आय व्यय खाते का, या चिट्ठा का। तो सही जवाब हो जाएगा यह है रोकड़ वही का, रोकड़ वही या रोकड़ खाते का। अब देखिए अगला क्वेश्चन 22वां, एक और क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इसे सॉल्व करना है आपको कि वर्ष के दौरान स्टेशनरी 1,080 रुपये हमने चुकाए, वर्ष में के प्रारंभ में स्टेशनरी का स्टॉक 300 रुपये था, वर्ष के अंत में स्टॉक 600 रुपये था, आय व्यय खाते में स्टेशनरी की कितनी राशि लिखी जाएगी। अब आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, और यह राशि कितनी हो जाएगी, तो आपको 1,000 में कैलकुलेशन करना, यहाँ पर 600 रुपये और 300 रुपये, यानी पहले का 300 रुपये था और बाद का 600 रुपये था, यानी बाद में ज़्यादा बच रहा है। सीधी ही बात, यहाँ पर 600 रुपये आप 300 जोड़ेंगे और 600 घटाएंगे, यानी 780 रुपये, यहाँ ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपके पास। आगे देखते हैं सत्य असत्य की बात आती है यहाँ पर, प्राप्ति भुगतान खाते में केवल पूंजीगत मदें लिखी जाती है, आपको बताना है और जवाब देना है क्या पूंजीगत मदें यहाँ पर लिखी जाती है। तो ये बिल्कुल प्राप्ति भुगतान खाते में सभी प्रकार की मदें लिखी जाती, इसलिए ये आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पर प्राप्ति भुगतान खाते में समायोजन नहीं किए जाते, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका सत्य हो जाएगा, ये बिल्कुल सही यहाँ पे बताया गया है, प्राप्ति भुगतान खाते में समायोजन नहीं किए जाते। इसी प्रकार प्राप्ति भुगतान खाते में प्रवेश शुल्क को भुगतान के रूप में दिखाया जाता है। तो तीसरा, यह आपका असत्य हो जाएगा। चौथा, पेशेवर व्यक्ति अपना हिसाब किताब रोकड़ पद्धति से रखते हैं, चौथा ऑप्शन भी आपका यहाँ पर सत्य है ये ऑप्शन। और देखिए, गैर व्यापारिक संस्थाओं की मुख्य आय चंदा एवं दान है, तो पांचवा जो है यह भी आपका सत्य है, गैर व्यापारिक संस्थाएं जो है उनका मुख्य आय जो होती है चंदा और दान से होती है। छठवां क्वेश्चन, आपका प्राप्ति भुगतान खाते के आधार पर चिट्ठा बनाया जाता है,
तो नहीं, ये असत्य है। आप सभी जानते हैं कि प्राप्ति भुगतान खाता नहीं, आय व्यय खाते के आधार पर बनाया जाता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।